तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करने वाला, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और आज जो फीचर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसको आप यूज करते हो तो आपके ट्रेड का एग्जीक्यूशन फास्ट हो सकता है और आपको पेड फीचर्स फ्री में भी मिल सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रेटेजी का कोई वीडियो देखना है तो हमें हमारी चैनल पर कई सारी स्ट्रेटेजी अपलोड की है, ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन बाइंग की, सब तो आप वो भी देख सकते हो। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर आप जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं वो एलाइस ब्लू ब्रोकर का है। मैंने भी कुछ महीने पहले ही इसमें डीमैट अकाउंट ओपन किया है क्योंकि यहाँ दूसरे ब्रोकर की कंपैरिजन में ब्रोकरेज कम है। हम रेगुलर में जो अच्छे ब्रोकर के डीमैट अकाउंट यूज करते हैं उसमें 20 रुपीज पर ऑर्डर का ब्रोकरेज होता है, लेकिन यहाँ पर 15 रुपीज पर ऑर्डर का ब्रोकरेज है और साथ में डीमैट अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आज इस वीडियो में हम जो फीचर देखने वाले हैं वो एलाइस ब्लू का ही है। वो फीचर मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों मैं आपके साथ भी ये शेयर कर दूं, ताकि आप भी इसे यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एलाइस ब्लू का एक जो नया फीचर है ओनली ऑप्शन करके उसके बारे में ब्रीफ में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो को देखने के बाद आपको ये फीचर अच्छा लगे तो एक बार जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। मुझे तो पर्सनली ये फीचर बहुत अच्छा लगा। तो आप यहाँ एक्सप्लोर पर क्लिक करोगे तो नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओनली ऑप्शंस का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर जो पूरा पार्ट देख रहे हैं वो है स्ट्रेटेजी बिल्डर, जो आपने सेंसिबल या ऑप्स्ट्रा में कहीं देखा होगा, जिसमें हमें कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको फ्री में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको इसे डिटेल में दिखाता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या क्या है। यहाँ पर हम क्लिक करके निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक्स में जिसमें भी हमें ट्रेड लेना है वो हम देख लेते हैं। मान लो कि हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो हमने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको एक्सपायरी मिल जाएगी, किस डेट की एक्सपायरी का आपको ट्रेड लेना है। तो हम सिलेक्ट करते हैं अभी 23 मार्च का जो करंट एक्सपायरी चल रही है वो आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर आपको बुलिश, बियरिश और न्यूट्रल किस टाइप का ट्रेड लेना है वो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। इसमें स्ट्रेटेजी भी ऑलरेडी डिजाइन करके दी है, तो अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी ट्रेड करना है तो डायरेक्ट क्लिक करके ही आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। अगर हमें बुलिश ट्रेड लेना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, बुल पुट स्प्रेड बना सकते हैं, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड बना सकते हैं, ये सभी स्ट्रेटेजी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्राइक प्राइस के बारे में पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी स्ट्रेटेजी पर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका पे ऑफ दिख जाएगा। वैसे ही आपको बियरिश ट्रेड लेना है तो बियरिश में भी आपको प्रीबिल्ट स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, और हमें न्यूट्रल ट्रेड लेना है तो वो भी मिल जाएगा, जैसे कि हम स्ट्रेडल ट्रेड करते हैं, स्ट्रेंगल ट्रेड करते हैं, आयरन बटरफ्लाई करते हैं, आयरन कॉन्डर करते हैं। तो चलो एक मैं आयरन बटरफ्लाई आपको सिलेक्ट करके पूरा ट्रेड कैसे करना है वो भी समझाता हूँ। हमने यहाँ पे आयरन फ्लाई क्रिएट की है तो यहाँ पर आपको उसका पे ऑफ ग्राफ दिख जाएगा, और अगर यहाँ पे आप कर्सर रखोगे तो आपको दिखेगा कि किस किस लेवल पर हमें कितना कितना लॉस है और इसमें क्या क्या लेग सेल हुए और क्या क्या लेग बाय हुए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। हमने आयरन फ्लाई पर क्लिक किया तो डायरेक्ट एक कॉल सेल हो गया, एक कॉल बाय हो गया, एक पुट सेल हो गया और एक पुट बाय हो गया। आयरन फ्लाई में ये चार ही लेग होते हैं। तो आयरन फ्लाई में ऑलवेज पहले तो स्ट्रेडल सेल करते हैं, मतलब कि 39,300 का कॉल सेल किया और उसके बाद 39,300 का पुट सेल किया, तो ये हमारा स्ट्रेडल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भी स्ट्राइक प्राइस हो उसी पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे हेजिस थोड़े दूर बाय करने हैं तो आप यहाँ से OTM 1, OTM 2, OTM 3, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप OTM सिलेक्ट करके हेजिस बाय कर सकते हो। और जैसे ही हम चेंज करेंगे यहाँ पर पे ऑफ भी चेंज होता रहेगा। तो ऐसे ही अगर हमें एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस को चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमें एट द मनी नहीं आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना है तो यहाँ पर हम OTM 1 करेंगे तो उसका पे ऑफ आपको फिर से यहाँ मिल जाएगा। तो आप क्वांटिटी भी यहाँ से डायरेक्ट डबल कर सकते हो, जैसे कि ये 1 लॉट है, आप 2 लॉट, 3 लॉट वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी ओके हो गई है तो यहाँ पर आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, यहाँ पर पूरा बास्केट बन के आ जाएगा आपके सामने। और हम क्लियर ऑल करेंगे तो पूरी स्ट्रेटेजी गायब हो जाएगी,
जाएगी तो हम फिर से यहाँ पर लेग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंगल। यहाँ पर हम स्ट्रेंगल पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रेंगल के लेग यहाँ पर आ जाएंगे और हम यहाँ से भी OTM 8, OTM 9 जो भी हमें अच्छा लगे वो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये बास्केट आ जाएगा और यहाँ से हम सीधा ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको देखना है कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस क्या है वो भी आप यहां से देख सकते हो। देखो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, थीटा कितना है, गामा कितना है, वेगा जैसे कि ऑप्शन ग्रीक्स वो भी हम यहां पर देख सकते हैं और कितने कितने दिन आगे बढ़ने पर हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा कितना लॉस होगा वो सब हम जो सेंसिबल में देखते थे वो यहां भी देख सकते हैं। उसके बाद मार्जिन कितना लगेगा, इस ट्रेड में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, कितने ब्रेक इवंस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, वो सभी हम यहां से देख सकते हैं। जो आप पेड सॉफ्टवेयर में देखते हो वो सभी यहां पर फ्री में मिल जाएगा आपको। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप पोजीशन पर क्लिक करोगे तो आपने जो भी ट्रेड लिया होगा उसकी पोजीशन में क्या प्रॉफिट लॉस है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो अगर इसके बाद हम ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें भी सेम हम अंडरलाइंग और एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन चेन में क्या है कि अगर आपको प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको दिखाई वो आपको ट्रेड नहीं करनी और आपको प्रीमियम देख के अपनी तरफ से कोई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है तो मान लो कि अगर आपको स्ट्रेडल सेल करना है, मार्केट अभी 17,100 पे चल रही है तो हम स्ट्रेडल सेल करेंगे तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा यहाँ ऊपर बास्केट बन जाएगा। हम यहाँ से क्वांटिटी प्लस और माइनस कर सकते हैं। वैसे ही अगर स्ट्रेडल सेल करने के बाद हमें लगा कि हमें हेजिस बाय करने हैं तो हम यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हमारा बास्केट में वो भी एड हो जाएगा। और अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो इंट्राडे और नॉर्मल में करना चाहते हो तो नॉर्मल में, मतलब कि पोजिशनल ट्रेड। और यहाँ पे आप मार्केट ऑर्डर पर भी ट्रेड कर सकते हो और लिमिट डाल के भी ट्रेड कर सकते हो इसमें सब में। तो ये फीचर तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आपको कैसे लगा वो आप कमेंट कर सकते हो। तो मुझे तो लगता है कि अगर आप ये सब फीचर्स यूज करते हो तो आपको ट्रेड लेने में वो सब टाइम आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ ऑप्शन चेन में से ही डायरेक्ट बाय सेल करके बास्केट ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो और जो प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी होती है वो भी आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी मैंने आपको पीछे दिखाया था। आप वो ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी आप एक क्लिक करके वो भी ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट का और वो चार्ट सब देखना चाहते हो तो वो भी सब चार्ट आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट खड़ा है 17,000 पर पुट साइड में और कॉल साइड में हम देखें तो 17,200 पर। ऐसे जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस होता है ये सभी ग्राफ आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक एनालिटिक्स टूल करके भी है, ये भी यूजफुल है तो हम वो भी देख लेते हैं। हम ओपन इंटरेस्ट में चलते हैं, यहाँ पर आपको सभी स्टॉक्स दिख जाएंगे और वो सभी स्टॉक्स में क्या बिल्टअप हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि आप ओपन इंटरेस्ट में स्टडी करते हो कि लॉन्ग बिल्टअप कहाँ पे हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप कहाँ पे हो रहा है, तो वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्टअप सभी ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर आपको सिर्फ लॉन्ग बिल्टअप वाले चार्ट देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ लॉन्ग बिल्टअप वाले दिखेंगे। तो आप ऐसे भी स्टॉक्स या निफ्टी बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हो या तो आप ट्रेंड जान सकते हो। और ये सभी फीचर्स आपको भी पता होगा कि ये सब पेड सॉफ्टवेयर्स में मिलते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहे हैं एलआईएस ब्लू में, जैसे कि स्ट्रेटेजी बिल्डर, ओआई का एनालिसिस। ये सभी फीचर्स आपको दूसरे कोई ब्रोकर के टर्मिनल पर नहीं मिलते। तो हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि दूसरे सॉफ्टवेयर की यूज करके ओपन इंटरेस्ट या स्ट्रेटेजी बिल्डर वो सब यूज करते हैं। तो अगर आप एलआईएस ब्लू का ये ओनली ऑप्शन यूज करते हो तो आपको ब्रोकर टर्मिनल में ही ये सब एडवांटेज मिल जाएंगे। तो आपको ट्रेड लेने के वक्त दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब मैंने आपको बहुत ही फास्ट बताया है। मैं तो कहता हूँ कि आप सब इसको एक बार एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और ये ओनली ऑप्शंस का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे जरूर कमेंट करना। और वीडियो में जो अच्छा लगा हो वो भी आप कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे नए नए फीचर्स के बेनिफिट उठा सके। तो यहाँ पर हम वीडियो का एंड करते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।